क्या मत क्या मत क्या मत क्या मत हेलो गाइस हो कैसे हैं आप सब सबसे पहले तो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो तो यार आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि अगर आपकी M416 अभी तक नहीं निकली तो आप उसको कैसे ले सकते हैं इफ निकल चुकी है तो आप उसको अगेन हासिल करके अपग्रेड कैसे कर सकते हैं और विद प्रूफ में बात करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी एम फोर वन सिक्स जो है लेवल फाइव कैसे की है सो so, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें इसमें मैं आप लोगों को सब डिटेल से बताऊंगा कि आपने कौन सी एग्जैक्ट टाइमिंग है और उसके अलावा मतलब जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए स्पेशल होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे हैं न्यू काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं काइंडली आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें इसमें आपका कुछ नहीं जाता सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो so, भाई सबसे पहली बात आ जाती है कि ये वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं सी टू एस फाइव के स्टार्ट में जो अभी हमारा सीज़न चल रहा है इसके स्टार्ट में मैंने रिकॉर्ड की है जब हमारा रॉयल पास न्यू आया था क्योंकि मेरे जो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं उनको मिली है आई मीन रॉयल जिस दिन रॉयल पास आता है उसी दिन ही उनको एम फो ग्लेशियर मिली है सो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करता हूँ कि इसमें मिलती है या नहीं मिलती क्योंकि हमारे जो रोनी भाई हैं उनको दो से तीन दफ़ा आई मीन मिल चुकी है और वो भी रॉयल पास वाले दिन ही सो so, मैंने कहा चलें जो है रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं और रिज़ल्ट निकालते हैं कि क्या सीन है तो जो सबसे मेन बात आ जाती है जो हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बोली जाती है कि भाई अब अगर आपके अकाउंट लेवल हाई हो गया आई मीन सेवेंटी से ऊपर हो गया तो भाई आपको ग्लेशियर कभी भी नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब मुझे मिली है ग्लेशियर सी में तो तब भाई साहब मेरा अकाउंट लेवल सेवेंटी होने वाला था और तब मुझे मिली है इसमें ये भाई साहब कोई लॉजिक नहीं है कि आपका काउंटर लेवल हाई हो गया तो आपको ग्लेशियर नहीं मिलेगी या वाट ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है सर आप लोगों को ग्लेशियर मिलती है और मुझे भी मिली है उसके अलावा और भी मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को मिली है और बाकी ये नहीं है कि आपकी ग्लेशियर निकली हुई है तो अभी आपको यूसी लगाने पड़ेंगे इसको अपग्रेड करने के लिए भाई साहब मेरे दो से तीन दोस्त मैं आप लोगों को बता चूँगी एक रूनी भाई एक अली और दो तीन लड़के और भी हैं मेरे दोस्त जिनको फ्री में ग्लेशियर मिल चुकी है ए की तो लेवल फोर हो चुकी है ओगी भाई की लेवल थ्री होगी और रूनी भाई की भी लेवल थ्री होगी वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी यूसी के वेस्ट किए तो भाई बात आ जाती है कि जो है सबसे मेन थिंग कि आपको क्रिएट ओपनिंग करनी कब चाहिए भाई साहब मैंने ये रिज़ल्ट निकाला अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पाँच बज के बीस मिनट से लेके कर पाँच बज के पच्चीस मिनट पर ट्राई करते हैं इवन वो सुबह के हों या शाम के मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इफ़ आप लोग आगे पीछे से हैं तो आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं भाई उसमें आप क्रिएट ओपनिंग करें ग्लेशियर की हो या कोई भी हो आपकी जो है वो गरंटेड चीज़ निकलने के चांसेस लेजेंडरी चीज चीज़ निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मेरी भी जो अपनी पर्सनली मैंने निक, मेरी निकली थी वो भी मैं नेक्स्ट कभी मैं आप लोगों से वो स्क्रीन शेयर करूँगा क्योंकि वो मेरे लैपटॉप में है भाई मुझे मिली थी पाँच बज के चौबीस मिनट पर एग्जैक्ट क्योंकि मैंने उस टाइम पर ही थोड़ी सी क्रिएट ओपन की थी तो मुझे मिल गई थी और बाकी आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें क्रेड्स uh, कंबाइन करें जब आप लोगों के पास इस तरह का चांस आए लाइक like, रिसेंटली uh, भी ग्लेशियर जो है चांस में आई हुई थी तब जो भी बंदा तकरीबन 100 डेढ़ सौ क्रेड ओपन कर रहा था उसकी निकल रही थी और काफ़ी बंदू की जो है आई uh, मीन I mean, मेरे uh, मेरे क्लैन का एक मेंबर है रजा मेरा दोस्त है उसकी भाई आई uh, मीन I mean, उसने दस क्रेट्स खोली हैं और उसमें उसकी जो है ग्लेशियर निकल गया सो so, जब चांस में आती है ग्लेशियर तब आप लोग अगर ओपन करते हैं ज़्यादा क्रेट्स तो भाई साहब ग्लेशियर ग्रंटेड मिल जाती है बाकी अगर आपकी लाख पांडा की तरह की है तो भाई फिर तो कोई हाल नहीं है अदरवाइज़ बेशक आपका अकाउंट लेवल हाई हो या कुछ भी हो तो आप जो है आपकी ग्लेशियर निकलती है सो so भाई ट्राई करना कि अगर आप जब रॉयल पास वाले दिन पे पाँच बज के बीस से पच्चीस मिनट पे करते हो तो रॉयल पास वाले दिन भी आपकी चांसेस होते हैं कि ग्लेशियर आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि उस दिन सर्वर पे इतना हास लोड नहीं होता तो मतलब उस टाइम पे भी मिल जाती है बाकी मुझे जो मिली थी मेरे काफ़ी ज़्यादा जो दोस्तों को मिली है वो नॉर्मली डेज़ में मिली है ना तो रॉयल पास वाला दिन था ना कोई दूसरा तीसरा तो बाकी ये सीन है कि भाई अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो आपको मटेरियल कैसे मिल सकते हैं तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप स्पिनस पे अपने यूसी वेस्ट करोगे तो भाई वो बिल्कुल उसमें मटेरियल नहीं मिलते आप लोगों को 12 से पंद्रह हज़ार यूसी लगाने पे जस्ट एक मटेरियल ही मिलेगा या आप लोगों को गन ही मिलेगी जस्ट सो so इफ़ आपने करनी है ग्लेशियर अपग्रेड तो भाई जो एट अपग्रेडेबल गन स्किंस टाइप आती हैं लाइक क्रेट्स जो आती हैं उन क्रेट में आप लोगों ने यूसी स्पेंड करनी है उसमें आप लोगों को मटेरियल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और मैंने पर्सनली जो की है वो मैंने एट अपग्रेडेबल गन स्किन जो आई थी मैंने वो सबकी सब वो भी निकाल ली थी और ग्लेशियर भी मेरी लेवल फोर होगी थी और आई मीन लेवल फ़ाइव गई थी और अभी भी मुझे जो है मटेरियल्स मिले हैं जिससे मेरी ए के एम ग्लेशियर लेवल फोर होगी है जो कि हमारी फूल की क्रेट आई हुई है सो so भाई इस टाइप की क्रेट्स पे अगर आप लोग यूसी लगाएंगे तो वो आपके वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोगों को मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और आपकी ग्लेशियर जो है अपग्रेड हो जाएगी सो so होपफुली ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर से रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़